हरियाणा में फरीदाबाद पलवल के बीच गुरुवार सुबह तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में भीषण आग लग गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर रेलवे के CPRO ने कहा कि गुरुवार तकरीबन 7:47 पर तेलंगाना एक्सप्रेस के ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई। इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर दिल्ली आ रही थी। इस आग के कारण फरीदाबाद पलवल रेल सेक्शन पर अप और डाउन दोनों तरफ रेल परिचालन पर असर पड़ा है। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हैं। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्टेशन पर आग लगने की खबर आई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। अधिकारी ने कहा कि ट्रेन असोती स्टेशन से गुजर चुकी है, लेकिन इसे असोती और बल्लभगढ़ के बीच में रुकना पड़ा। भारी धुएं के कारण ट्रैक पर आवागमन भी रोक दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि आग नौवे कोच के पहियों की ब्रेक बाइंडिंग में लगी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।